नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोल्सकाई में आपका स्वागत है। रंगों और उत्साह आनंद के त्यौहार होली का हम सभी को पूरे साल इंतजार रहता है। पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को गले लगाना, मिठाइयाँ गुजिया खाना इस त्यौहार को कई मामलों में खास बनाता है। पर कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को होली में सेहत को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है। डायबिटीज ऐसी ही बीमारी है जिसमें होली के समय बरती गई थोड़ी भी लापरवाही गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक मधुमेह रोगियों को होली के उत्सव के बीच अपनी सेहत को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कुछ बातों को ध्यान में रखकर न सिर्फ आप अपने स्वास्थ्य को सही रख सकते हैं, साथ ही इस त्यौहार का आनंद भी ले सकते हैं। विशेषज्ञों की माने तो रंगों और पकवानों का यह त्यौहार आपके लिए सेहतमंद भी रहे, इस बात को भी सुनिश्चित करें। खान पान और जीवन शैली संबंधी सुधार करके मधुमेह रोगी अपनी समस्याओं को काफी हद तक कम कर सकते हैं। होली के इस मौसम में तरह तरह के पकवान देखकर आपका भी मन डोल सकता है, पर ध्यान रहे मीठे अस्वास्थ्यकर चीजों का अधिक सेवन आपके ब्लड शुगर के स्तर को बढ़ा सकता है। रक्त में शर्करा का बढ़ना कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का कारक बन सकता है। ऐसे में स्वस्थ और पौष्टिक चीजों का ही सेवन करें, तली भुनी मीठी चीजों से बचें। यदि आप मीठी चीजों को खाना भी चाहते हैं तो भोजन से कार्बोहाइड्रेट युक्त चीजों को कम करके आहार का संतुलन बनाएं। होली के समय ज्यादातर लोग डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं, यह डायबिटीज रोगियों की समस्या को बढ़ा सकती है। इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी, छाछ और स्वस्थ पेय का सेवन करते रहें। इसके अलावा आप खाने के लिए ऑलिव ऑयल या शुद्ध तेल का ही प्रयोग करें। दैनिक आहार में फाइबर युक्त संपूर्ण खाद्य पदार्थ जैसे सेब, गाजर, बीन्स, काजू और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ शामिल करें। चीनी की जगह गुड़ वाले पकवानों का कम मात्रा में सेवन कर सकते हैं। हर्बल रंगों का प्रयोग करें। शराब धूम्र पान से बिल्कुल दूरी बनाकर रखें। मधुमेह की दवाइयों या इंसुलिन को लेकर कोई लापरवाही न बरतें।